आज हम आपको गुलबर्गा शहर के एक ऐसे स्कूल के बारे में बताने वाले हैं जिस स्कूल के बच्चों ने इंसानियत की मिसाल कायम की है। लिमरा एकेडमी स्कूल के बच्चे पिछले 6 साल यानी 2013 से रेस ऑफ होप नामी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जिसके जरिए जरूरतमंद लोगों की मदद की जाती है। गुलबर्गा हेडलाइंस पर एक वीडियो अपलोड किया गया था। सैयद महबूब नामी 14 साल लड़के की दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं, जो कि जवरगी तालुके का रहने वाला है। इस वीडियो को देखकर लिमरा एकेडमी स्कूल के बच्चों ने सैयद महबूब के लिए अपने फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स के पास से 2,18,000 रुपया जमा कर सैयद महबूब के माँ बाप के हाथों सौंप दिया। Studying in 9th standard of the Limra Academy School. Our school has started an organization called Rays of Hope under the guidance of Jhangi sir in 2013. This year we came to know about Sayyad Mehboob who suffered from both kidney failure and we got information from Gulbarga headlines and as a family of the Limra Academy School collected a sum of 2,18,000 for this cause. My name is Mohammed Anza and I am in 10th standard of Limra Academy. जहांगीर सर की वजह से और जहांगीर सर की तरफ से हमें गुलबर्गा हेडलाइन से एक 14 साल के बच्चे जिसका नाम सैयद महबूब है उसके बारे में पता चला जो जिसकी दोनों किडनियां फेल थी और वो किडनी फेलियर से सफ़र कर रहा था। उसे उस्ताद हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। उसके लिए हम लोग जो हमारी रेज ऑफ होप ऑर्गेनाइजेशन है उसकी वजह से हम उसकी मदद करना चाहते थे। रेज ऑफ होप हमारे स्कूल की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल 10th के साथ हर साल के जो 10th के बैच होते हैं उसकी प्रेसिडेंट होते हैं। उसकी जानिब से हमने 2,18,000 रुपये सैयद महबूब की मदद के लिए जमा किए हैं जो हमारे पूरे स्कूल का टोटल अमाउंट है। ये ऑर्गेनाइजेशन लगभग पिछले 6 साल से है जो और इसको ऑपरेट करने वाले जो करंट 10th के बैच वाले होते हैं वो ऑपरेट करते हैं और इसके वही प्रेसिडेंट होते हैं। जी नहीं, ये दूसरी बार है और इससे पहले भी हम काफ़ी बार करते हैं और आगे भी करना चाहेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि पहले हम लोग ने किया था सैयद अजहर शेख, उसके लिए भी हमने लगभग 2,08,000 रुपये जमा किए थे 2013 में कुछ, और आज इस बार भी हमने 2,18,000 रुपये जमा किए हैं सैयद महबूब के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से। माय नेम इज़ मदी अलमास एंड माय स्कूल नेम इज़ द लिमरा एकेडमी एंड आई एम स्टडिंग इन 10th स्टैंडर्ड। एक बच्चे के किडनियाँ फेल हो गए, 14 इयर्स का है जहांगीर सर, वो दिखाए वीडियो गुलबर्गा हेडलाइंस पे, तो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज करा रेज ऑफ होप के, वो पिछले 6 इयर्स से चल रहा ऑर्गेनाइजेशन, तो हम लोग सब हेल्प कर रहे हैं बच्चे की, तो उसके थ्रू वो बच्चे को पैसे मिल सकते हैं, उसको उसका इलाज हो सकता। कितने आप लोगों ने जमा किए हैं बच्चे के लिए? हम लोगों ने 2,18,000 जमा किए वो बच्चे के लिए और हम पूरे स्टूडेंट मिलकर दुआ करते हैं कि वो बच्चे की सेहत जल्दी से अच्छी हो जाए और खुश है। डिटेल ये है कि मैं तुम्हारे चैनल के ऊपर ही गुलबर्गा हेडलाइन के ऊपर ही मैं एक अपील देखा था मैं कि ऐसे इनके बच्चे का दोनों किडनी फेल हो गया है और उनको कुछ पैसों की ज़रूरत है, जिसके ऊपर उन्होंने इंटरेस्ट के ऊपर भी सूद के ऊपर भी पैसे उठा के बच्चे के इलाज को लगाए। तो इससे पहले भी अपना इस तरह से काम हुआ था अपने स्कूल में, और एक बच्चा था जिसके लिए 9 महीने इसने इलाज करा के जो ब्लड कैंसर हुआ था, वो टाइम पे मेरे स्कूल के बच्चे पूरे छोटे से लेके बड़े तक खाली स्कूल के बच्चों ने अपने फैमिली अपने खानदान रिश्तेदार कहीं पर जाके दुकानों में नहीं बाहर रोडों के ऊपर नहीं फैमिली में 2,08,000 जमा करते हैं। आज वो बच्चा ठीक हो गया अपने स्कूल फिर से रिटर्न 9th क्लास में पढ़ रहे जब 4th में। अब इनका बच्चा भी दोनों किडनी फेल बताया मुझे, फिर तुमसे बात करा मैं फ़ोन पर, तुम बताया कि उनके पापा डैडी अब्बा उनके किडनी देने के लिए रेडी है, जो भी इलाज का अखराज का खर्चा आ गया है। तो मैं स्कूल में बात करा तो इसमें स्कूल के बच्चे तीन अपने एक रेज ऑफ होप बोलकर एक कमेटी है मेरे स्कूल के बच्चों की, एक ऑर्गेनाइजेशन है रेज ऑफ होप उम्मीद की किरणें, जो स्कूल के बच्चों को लेके मैंने प्रेसिडेंट मैनेजर उनको बनाया है, उनके पास ही रहता पूरा अकाउंट ये रेज ऑफ होप का। तो लोग कुछ ना कुछ हर साल एक कुछ कॉस्ट में काम करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं बच्चे आपस में मिलकर। तो इस बार बोल रहे हैं बच्चे ठीक प्रोग्राम बनाकर उनके रेज ऑफ होप जो ग्रुप है स्कूल का मेरे दलिमरा एकेडमी का, वो बच्चे जमा होकर अपने घरों में अपनी फैमिली से पैसे जमा करके लाकर दिए और आज इनके हाथ में दे दी हमने इनके माँ बाप को बुलाकर बच्चों को 2,18,000 रुपया। पहले एडमिट करे थे साहब चिरा हॉस्पिटल में, हम 2-3 महीना बताए, बताने के बाद कुछ भी नहीं हुआ। होने के बाद क्या करे वसीम भाई आके वीडियो करने के बाद और सब जने भी हमको अकाउंट में भी पैसा डाले और यहाँ स्कूल को भी आए थे सर हिमरा स्कूल को है साहब,
218,000 रुपए दिए सब बच्चे लोग सब मिला के हमारे बच्चे को ऑपरेशन के लिए। और मैं किडनी देने भी तैयार हूँ सर, दोनों जना का आराम हो गया तो सब जना का शुक्रिया अदा करता हूँ। और भार्गव से और यहाँ हमारे चौपिर खेड़ों से भी पैसा है, तालुका से पैसा है, जिला से पैसा है, बच्चे जना का शुक्रिया अदा करता हूँ सब। बोल के बताओ टोटल आपके अकाउंट में अभी तक कितना अमाउंट जमा हुआ? कितना बोले तो 7,13,000 रुपये अकाउंट में जमा हुआ सर, 1,00,000 रुपये वहाँ इसमें है सर, 1,30,000 रुपये अभी हॉस्पिटल में है सर, हॉस्पिटल में आके दिए सब, 218,000 रुपये ये स्कूल में दिए सब, निमरा स्कूल में दिए सब। चीज़ ये है कि यहाँ पर जो लोग आपके पास पैसा जमा कर रहे हैं, तो पैसा जमा करने के बाद किस तरीके से आप अपने बच्चे का ट्रीटमेंट करेंगे, इलाज करेंगे, क्या आपको किडनी डोनेट करने वाले हैं तो कौन से हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा? नहीं सर, किडनी डोनेट करने का है बोलो तो बेंगलोर में कौन सा हॉस्पिटल अच्छा दिखा वो हॉस्पिटल में एडमिट करें, उन्होंने अभी टी वी एलिज करना पड़ता सर, हमको तो मौत मालूम नहीं टी वी एल कौन सा हॉस्पिटल बोलते हैं वो हॉस्पिटल में जाते हैं, उनको मालूम रहता है कि हम 3-4 महीने खाली हम किडनी देने का बैठने का मेरा काम इतना ही है, उसको भी आराम रहना मेरे को भी आराम रहना, कौन वीडियो करे उनको ही डॉक्टर से बात करके उन्होंने कौन से डॉक्टर से कौन से हॉस्पिटल में रखते उनको ही मालूम, हमको तो मालूम नहीं सर किडनी कहाँ डेवलप होती कि बेंगलोर में होता है कि क्या हैदराबाद होती कि क्या चेन्नई होती कि कौन से हॉस्पिटल होती वो मेरे को मालूम नहीं, दोनों जनों को ठीक हो कि हम घर को गए तो होता ही बस सर, और सब जने पैसा भेजे वो एक मेहरबानी हमको ऊपर है सब, उनकी मेहरबानी कभी भी हम बोल सकते नहीं, जब हम मरे जाए तक उनका याद रखेंगे सर।